मैं एक मेरे पिता एक खेती किसानी हैं और एक आदिवासी हैं और मैं एक आदिवासी हूँ। और मैं वो बस्तर की छत्तीसगढ़ सरकार से वो अत्याचार की हुई वो महिला हूँ, जिस तरह मेरे साथ अत्याचार अत्याचार किया गया, अत्याचार करते आ रहे हैं, जूझते आ रही हूँ। एक पीड़ित महिला हूँ और एक आदिवासी महिला हूँ। अपने आप को कहीं ना कहीं इतना एक नेता के रूप में कई पेपरों में आता है, मैं खुद देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सब लोगों कहते हैं, फिर भी मेरे को ये नहीं लगता है कि मैं एक आम आदमी की पार्टी की नेता हूँ या नक्सल समर्थक। बस मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार यानी सरकार की दी हुई प्रताड़ना से जूझती हुई एक आदिवासी और महिला हूँ। अभी वर्तमान में मेरा 20 फरवरी 2016 में जो अटैक हुआ और मेरे को आईसीयू रूम में 11 दिन रखा गया, उस दौरान मैंने कई चीज़ों को मन अंदर ही अंदर सोचती थी कि जो बस्तर में दबन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। उसके वजह से मेरा ये चेहरा एक ऐसे घायल चेहरा बना दिया, ये बस्तर का चेहरा है। क्योंकि इस बस्तर के चेहरे के पीछे ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे कई चेहरे हैं, जेलों में भी हैं, जेलों में कई ही ऐसे चेहरे हैं, भाइयों के रूप में, बहनों के रूप में, उनके भी ये चेहरे हैं, दबन को सहे हुए चेहरे, अत्याचार को सहे हुए चेहरे और प्रताड़ना को सहे हुए चेहरे, कई उनके साथ निवस्त्र करके, कई करंट शॉट दे के, कई इस तरह से करे हुए चेहरे, वो सब चेहरे हैं। तो मैं अपने चेहरे के सामने रख के उन चेहरों को दिखाने की मेरी कोशिश है कि बस्तर के ये चेहरे हैं। जेल में दो महिला अभी भी मुझे याद हैं, तो उनके निप्पल से काट दिए गए थे और एक महिला के पूरे करंट शॉट दिया गया था। तो मैं जब जेल गई तो मैं बहुत रोती थी और बहुत अपने आप को ये महसूस करती थी कि मेरे साथ बहुत शर्मनाक प्रताड़ना हुआ, मैं किसी को कैसे बताऊं। मुझे ये नहीं पता था कि जो जेलों में बंद है इनके साथ भी इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ, मुझे उससे अनजान। तो वो दो लड़कियां मुझे उठा के ले गई, बोले कि दीदी आप चलो थोड़ा बाहर। फिर मेरे को कुछ अलग एक जगह में बाथरूम साइड लेके गए और बोले आप क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो। मैं बोले देख मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं इतना शर्मनाक प्रताड़ना को कैसे बर्दाश्त करूं और कल के दिन मैं समाज में कैसे जाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा आप क्या सोचते हैं कि ये अत्याचार आपके साथ हुआ, और हम जो ऐसा दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने अपने ब्लाउज को खोला और दिखाया, तो ये देखिए हमारे साथ ये हुआ है। तो मैं जब देखी उनको तो वाकई आज भी मेरे को अच्छी चीज़ याद है कि लड़कियां मतलब सामने से इतनी स्वस्थ दिखती थी, जब इतना बड़ा प्रताड़ना दे के कैसे जीती रही हो। तो उनका निफल काट दिया गया, एक निफल को कटा हुआ था, एक करंट मतलब उससे वो किए हुए थे एकदम से, वो काट दिए थे दांत से इस टाइप का, और एक महिला का दोनों चेस्ट को पूरे धारदार करंट से दे के उसका बलात्कार हो चुका। तो ये बात, तो उसके बाद बोलते आप तो पढ़े लिखे हो, आप लड़िए, हम अशिक्षित हैं, हम किसको बताएं, किससे बोलें, हम किसको बोलें, हम नहीं बोल पा रहे, आप तो टीचर थे ना, आप लड़ सकते हो ना दीदी, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैं उनसे भी बोले तो जब यहाँ से छूट जाओगे तो आप लोग कहाँ जाओगे, तो इस पर एकदम ये एक आवाज़ में बोले हम तो नक्सलाइट के पास जाएंगे। तो मैं बोली क्यों क्यों जाओगे आप नक्सलाइट के पास, तो बोले बताइए इतना कुछ प्रताड़ना हमारे साथ हुआ, हम किससे शादी करेंगे, कौन हमको शादी करेगा, हम इस हालत में हमको कौन अपनाएगा, अगर अपना भी लेगा तो हो सकता है साल दो साल के बाद फिर अच्छा रखेगा, उसके बाद फिर हमको दुनिया की गालियाँ देगा, तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ ये सब, इससे अच्छा हम तो बिल्कुल अपने आप को मन बना लिए हैं, या अगर हम जिंदा यहाँ से निकले हम नक्सलवादी के पास चले जाएंगे, उससे अच्छा हम वहाँ लड़ेंगे और उस तरह से हम रहेंगे। ये स्पष्ट लड़कियाँ आज भी ढूंढ रहे हैं, वाकई नहीं है वो लड़कियाँ, निकल गई हैं, नहीं है। तो वो इस तरह से बहुत से महिलाएँ, बहुत से भाई लोग जेलों से निकल के जाते हैं। सरकार ये कहती है ना कि नक्सलाइट क्या बोलना चाहिए, जबरदस्ती इसको लेके जा रही है, उसको लेके जा रही है, और घर गांव गांव से दबंग करके लोगों को अपने हथियार बंद की लड़ाई में शामिल करने के लिए, ये भी थोड़ा सा गलत है। क्योंकि सरकार इतना अत्याचार करके जेलों में डालती है, जेल से डालने के बाद वो इतना प्रताड़ित हो जाता है, उसकी पूरी मतलब घर की पैसे भी चले जाते हैं, जमीन चला जाता है, बहुत लोग इस तरह, ये तो सरकार तैयार कर देती है नक्सलवादी के जाने के लिए। आखिर क्यों ये सब? और रही सवाल, कई लोग ये पूछते हैं कि आप मतलब इस तरह का लड़ाई में नक्सलवादी का आप समर्थक हो, ये है, मैं साफ साफ ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए उनका एक संगठन है नक्सलवादी, एक उनका एक संगठन है, और वो सीधा सीधा उनकी बातें भी हैं कि वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, संविधान पर नहीं करते, और कोई नहीं सिस्टम को नहीं मानते, किसी भी चीज़ को नहीं, अपनी अत्याचार की लड़ाई पर भरोसा करते हैं, उससे अपने संप्रदाय या अपने पूंजीवादी खत्म करना चाहते हैं, वो इनका एक लड़ाई का एक हिस्सा है, वो है उनकी लड़ाई। लेकिन सरकार तो संविधान की बात करती है,
कि लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, संविधान को हम के तहत चलते हैं, इस मतलब संविधान में जो रूल्स है उसके नियम के आगे उस तरह से काम करते हैं, फिर सरकार भी वही बंदूक पकड़ के क्यों आदिवासी को मार रही है, मेरा एक सवाल है, क्यों इस तरह से आदिवासी की ज़मीनों को खाली कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनी का लगाने की बातें कर रही है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, हमारे आदिवासी हम भी नहीं चाहते बड़ी कंपनी जैसा कि NMDC को इतनी बड़ी मतलब लगाने दे दिया कि लोहा इस पर, तो उससे क्या हुआ, उतनी बड़ी मतलब जंगल नाम दे, ज़मीन हम दे, हमारे ही वहाँ खनिज संपदा सब कुछ दे, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे ऊपर ही अटैक होती है, हमारे ऊपर ही हमारा हमला होता है, उस पैसों से बड़े इतने तागतों में फोर्स भेजा जा रहा है सब, लेकिन वास्तविक तो उस गांव के लोगों को तो झाड़ू लगाने तक का काम नहीं दिया जाता, तो फिर क्यों इस कंपनी से लोगों का हो मतलब कहना चाहिए कि क्यों विरोध नहीं करेंगे, नक्सल के नाम से जो वहाँ दबंग चल रहा है वो वास्तविकता नक्सलवादी या नक्सल समस्या खत्म करने की नहीं है, वो तो सिर्फ आदिवासी को खत्म करने की लड़ाई है, क्योंकि आदिवासी जल जंगल जमीन में रह रहे हैं और आदिवासी उस जगह पर से हटाना चाहते हैं, उनको मारना मार रहे हैं कि सरकार वो चाहती है कि ये इनको कैसे काले किया जाए, ये नहीं है कि वो नक्सल समय से या नक्सलवादी तक जाए, नक्सल के यहाँ से भगा, ये नहीं है उनका मकसद, उनका मकसद तो सर आदिवासी से है कि वो जल जंगल जमीन में बैठे हैं, पहाड़ी एरिया में बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं, तो उनको इसलिए मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, जेल में बैठ वो खाली करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनी लगाना चाहते हैं, वास्तविक लड़ाई ये है, ये तो नाम के लिए सरकार बार 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 कहती है कि नहीं हम नहीं तो नक्सलवादियों को ख़त्म कर रहे हैं, नहीं उनकी समस्या ख़त्म करना, ये गलत है, खुद कानून की बातें करे, खुद कानून में लेकर, लेकिन उसको तोड़ने वाला कोई आम नागरिक या आम व्यक्ति नहीं है, वो खुद सरकारी ही उस नियम को तोड़ती है, लेकिन वो है अपने जगह सही है, और उसी जगह अगर एक आवाज़ उठाता है भाई उसका ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, ये मेरे ज़मीन में आप ये घर क्यों बना रहे, तो उसको जेल जाना पड़ता है, उसको देशद्रोही का नाम दिया जाता है, तो देशद्रोही कौन है, या वो किसान जो अपनी हक के लिए मांग रहा है, या फिर वो कि जो उस किसान की ज़मीन को ज़बरदस्ती ले रहा है, जैसे अंकित गर्ग हमको देशद्रोही की धारा देके या नक्सलवादी का समर्थक देके आज जेल में 2.5 साल तक हमको रखा गया, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अंकित गर्ग को इतना बड़ा अवार्ड मिला, एक इस तरह से महिला के साथ अत्याचार करना, कई महिलाओं के साथ भी उसने किया है और लोग एनकाउंटर भी किया, तो क्या ऐसे व्यक्ति देशद्रोही नहीं है, अगर वो एक तरफ से किसी की हत्या ही कर रहे हैं और एक महिला को प्रताड़ित करता है, अत्याचार करता है, निवस्त्र करता है, तो क्या ये क्या है, ये देशद्रोही है या नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा एक जहाबाज ऑफिसर के रूप में गिना जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति में ही ये चीज़ें हैं, हिंसात्मक का जो लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी नीतियों से लड़ रही है, अभी कुछ समय पहले मतलब चल रहा है अभी भी लड़ाई बस्तर में दंतेवाड़ा जिला में, वो हवाई अड्डा बनाने, वो आदिवासी की ज़मीन है, तो वो आदिवासी अपनी आवाज़ उठाया जब सरकार ने जाके पूरी उनकी ज़मीन में जो भी थे तो साफ़ करने लगे थे, वो आया और सीधा बोला मेरी ज़मीन में इस तरह से काली करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, तो क्या हो किए, तो बस वहाँ उठा के उसको जेल डाल दी, उसने क्या बोला, अपनी ज़मीन की बात रखा कि मैं ज़मीन नहीं देना चाहता और मैं अगर मेरे ज़मीन में ज़बरदस्ती इस तरह से आप लोग दबंग करोगे ये करोगे तो मैं मारूंगा, ये उन्होंने कहा कि उसको अधिकार है, तो उसको उठा के जेल में डाल दिए थे दो दिन तक, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े, तो ये क्या है मतलब सरकार, तो हमने ये भी कहा नहीं यहाँ की तो हवाई जहाज का बड़ा अच्छा अड्डा बनेगा आप लोग को जहाज में, तो क्या बोले कि हम यहाँ से रायपुर तक नहीं जाते हैं तो हमको हवाई जहाज में क्या जाएंगे, क्यों जाएंगे, हवाई जहाज तो उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े अमीरों और उन लोग घूमेंगे फिरेंगे, वो भी हम ज़मीन दें और ये वो घूमे फिरें, हमको नहीं जाना है दिल्ली बम्बई यार ये सब, हमारे तो जंगल जल जंगल ज़मीन हमारा सब सहारा, हम इसी में खुश हैं, हम नहीं देना चाहते, हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको जंगल में कई ऐसे हमारे जीवन यापन की कई चीज़ें मिलती हैं हमारे है। लेकिन आज देखो वो कई ऐसे चीज़ें हैं कुछ है, वो एक बास्ता होता है जो बांस की, उसको अगर तोड़ के ला रहे हैं और उस पर कानून बना दिया है, उस पर कानून बना दिया है कि वो पता है कि उसको अगर वो ज़्यादा 100-150 में बेचेगा तो बेचेगा तो क्या अपना दो वक्त के मतलब चावल दाल का इंतजाम के लिए बेचेगा, वो नहीं है उनके अधिकार में अब। जैसे अभी माडू इड़मो को मारे जो 7 बच्चे का बाप है और उसको 3 बजे रात को उठा के ले गए, ले जा के एक दिन रखे उसके बाद मारे, और ये शाबाशी दिखाए कि माडू में जंगल में एक वर्दीदारी नक्सलाइट के साथ मतलब मुठभेड़ हुआ, एक वर्दीदारी नक्सलाइट मार गिरा जिसमें 1 लाख का इनाम
यह ये बताया। जब मैं सरकार से ये पूछा, इड़मो के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोग इसको 1 लाख का इनामी नक्सलाइट कैसे बताएं? और ये कब तक का, कौन से सन में ये अपराधी था और कितने अपराध थे? वो बेचारा पहले भी जेल जा चुका था, 2 साल जेल रह गया था नक्सल के केस में, और आके बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहा था, और उस केसों में भी पूरा भाईजत कोर्ट ने बरी किया। जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब मुझे मीडिया भाई ने पूछा, सोनी मैडम आप तो अब हार गए, आप आगे क्या करोगे? मैंने उनको एक ही बोला, मैं हारी कहाँ, मैं तो जीती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो तो बीजेपी वाले जीते हैं, दिनेश कश्यप जी जीते हैं, तो आप तो जीते ही नहीं, कैसे कह सकते हैं? मैं बोलूँ हो सकता है जनता के नज़र में, आपकी नज़र में है, पर मेरे नज़र में मेरी जीत हुई। पहला जीत जिस गवर्नमेंट ने मुझे नक्सलाइट बना के जेल भेजा, मैं आज उसी सरकार के अंदर आके मैंने चुनाव लड़ा, ये मेरी पहली जीत। दूसरी जीत, मेरे को ये लगता था कि मेरे को आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन सरकार ने इतने आरोप लगा के मेरे जो लोगों के अंदर मानसिकता भर दी थी कि सोनी सोड़ी एक नक्सलाइट है, उनके लिए पैसे के लिए अंदर बड़े बड़े मतलब ऐसे कंपनी लोगों से लेके काम करती है, तो उससे भी कई मेरे मेरी छवि को जो ख़राब किए थे, तो पता नहीं उसमें कितने लोगों में ऐसे नफरत है और कितने मेरे साथ है भी या कि नहीं है मेरे छत्तीसगढ़ में बस्तर में, फिर ये कैसे उस चिंता थी। तो 18-19 हज़ार वोट मिला, तो उससे मेरे को पता चला कि हाँ मेरे मेरे भी कुछ लोग मेरे अपने हैं, ये मेरी दूसरी जीत थी। और रही सवाल जो कुर्सी की बात है, मैं कुर्सी कुर्सी पाने की तो मेरी लालच भी नहीं थी, ना बैठने का लालच था, और जो जनता के और ज़मीन स्तर पर जाने का जो था वो मुझे मिल गया। आज मैं जनता तक पहुंच गई, मेरा अपनी जन्मभूमि पहुंच जन्मभूमि में मैं अपना पैर रख ली, अपनी उस पर बैठ गई, ये मेरा सबसे बड़ी एक मेरी जीत है। आज तो चेहरों को कर रहे हैं, जब जेल में रखे तो करंट शॉट दे के पैरों को पूरा मतलब कमज़ोर बना दिया, फिर इतनी शर्मनाक घटनाएं वो करे, अब चेहरे को तो वही बोलते हैं, अब वही तो मेरे जो आवाज़ बचा है, पता नहीं अब मेरी आवाज़ को ये क्या सोचते हैं, इन लोग क्या करेंगे क्या, यही है, जितना घायल भी करेंगे तो हम छत्तीसगढ़ जाना नहीं छोड़ेंगे।